इसराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है। इस युद्ध में अब इसराइल को एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। इसराइल ने गाजा में हमास के चीफ यहा सिनवार के मारे जाने की पुष्टि की है। सिनवार पिछले साल अक्टूबर महीने में इसराइल पर हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। इस हमले के बाद इसराइल और हमास के बीच भीषण जंग शुरू हो गई। यहा सिनवार इसराइल की ओर से मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर था। यहा सिनवार के मारे जाने से हमास को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि अभी तक हमास की तरफ से यहा सिनवार के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। इसराइल की सेना ने डीएनए और अन्य जांच के बाद सिनवार की मौत की पुष्टि की। आइए जानते हैं यहाँ पर कि यहा सिनवार कौन है। कौन है यहा सिनवार? यहा सिनवार आतंकी संगठन हमास का प्रमुख है। इसराइल ने ईरान में जब हमास नेता इस्माइल हानिया को एक बम धमाके में मार दिया, तब सिनवार हमास का चीफ बना। यहा सिनवार का जन्म 1962 में गाजा के एक शरणार्थी कैंप में हुआ था। शुरुआती दिनों से ही वह हमास के साथ जुड़ गया। वह हमास के सिक्योरिटी विंग का नेतृत्व करता था, जो इजरायली मुखबिरों को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करती थी। 1980 के दशक में अंत में उसे इजरायल में गिरफ्तार किया गया। उसने इजरायल के साथ काम करने वाले 12 लोगों की हत्या की बात स्वीकार की। इसके बाद उसे खान यूनिस का कसाई नाम मिला। यहा सिनवार को 2 इजरायली सैनिकों की हत्या समेत अन्य अपराधों के लिए 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनवार को 2008 में ब्रेन कैंसर हो गया था, लेकिन डॉक्टरों की ओर से इलाज मिलने के बाद वह बच निकला। साल 2011 में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की ओर से पकड़े गए अपने सैनिकों के बदले में 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। यहा सिनवार रिहा होने वाले लोगों में से एक था। माना जाता है कि साल 2016 में हमास के एक अन्य टॉप कमांडर महमूद इश्तवी की हत्या के पीछे भी सिनवार का हाथ था। इसराइल का कहना है कि हमास के आर्म्ड विंग के प्रमुख मोहम्मद दीव के साथ मिलकर सिनवार ने ही 7 अक्टूबर को इसराइल पर अचानक घातक हमले का प्लान किया था। इसमें 1200 इजरायली मारे गए थे। यह सिनवार का हमेशा से मानना रहा है कि फिलिस्तीन तभी बन सकता है जब हथियार उठाकर संघर्ष किया जाए। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही वह सुरंगों में छिपा रहा है। इसराइल के लिए सिनवार को ट्रैक करना सबसे चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि वह किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करता है।